अस्सलामुअलैकुम मैम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हो आयशा बेटा? मैम बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं मैम? मैं भी ठीक, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। कल आपने एक ही सिटिंग में सारा काम कर लिया, फिर मूड की बात है आपके, है ना? जी मैम, काम होमवर्क बहुत ज्यादा मिलता है, सारे टीचर्स बहुत ज्यादा होमवर्क देते हैं। वैसे लर्निंग वर्क देना चाहिए ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं, लिखने से क्या होगा। लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा रिटन वर्क नहीं देती, कभी कभी देती हूँ, डायग्राम से देती हूँ मोस्टली। जी ये मेरे साथ भी मैम, ऐसे ही लगता है आपको? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं सच बोले आप, अगर आप बोल ही रही हैं तो सच बोले, ताकि देखे ना नो आप कुछ मैम, बोल रही हैं तो। आप तो बहुत कम काम देती हैं, बल्कि ना देने के बराबर है। मैं दूसरी टीचर्स की बात कर रही हूँ, ये जैसे फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया। तो आप उनसे कह देना, मुझे खुद आइडिया है कि इतना रिटर्न वर्क जैसे हम स्कूल में करते थे, बहुत ज्यादा रिटर्न वर्क पे तो फोकस नहीं होता ना। हाँ प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा हम आपको रखते हैं इन टच नोटबुक्स के साथ, अदरवाइज तो लर्निंग है आपका बेसिक, और उसके बाद टेस्ट होने चाहिए। अब चूंकि रिटर्न टेस्ट अभी ले नहीं सकते हम, तो वर्बल टेस्ट ही सही, छोटा मोटा। जी मैम, तो आप उनसे भी डिस्कस कर लिया करो ना ये बात, क्योंकि पता नहीं अभी देखें ईद के बाद, अल्लाह करे कि अगस्त में, सुन तो रहे हैं कि करना है इन्होंने स्टार्ट, बट डिपेंड्स उनका सिचुएशन देखकर करेंगे। ईद के बाद लगता तो नहीं है मुझे कि एक सिचुएशन बहुत अच्छी होगी, ईद पे फिर केसेस बढ़ेंगे थोड़े से, अल्लाह ना करे वैसे ऐसे हो। अगर ये लॉन्ग टर्म थोड़ा चलना हुआ तो फिर तो जरूर ये बात होनी चाहिए कि बच्चों को बहुत ज्यादा रिटर्न वर्क ना दें, बल्कि लर्निंग बेस्ड काम हो, उनके क्विजेस हो, क्विजेस पे फोकस होना चाहिए। चले जी, आए हैं बाकी पार्टिसिपेंट्स या नहीं? नो नो मैम, अभी तक कोई नहीं आया है। क्या टाइम हो गया? 8:03। अच्छा अब क्या उसे कहते हैं, उससे बात हुई है हनीन से? क्या उन्होंने स्कूल तो नहीं लेफ्ट कर दिया हनीन ने? नो मैम, उसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। उसे कॉल भी की है, कल भी की है, परसों भी की है, वो उठाया ही नहीं रही। अच्छा, क्योंकि मिनाहिल ने स्टार्ट रिज्वाइन कर लिया है दोबारा, और जी मैम, एंड व्हाट अबाउट दुआ, दुआ का क्या स्टेटस है? मैम उनका भी इशू है, इशू है, फी प्रॉब्लम है? जी मैम। अच्छा हाँ, ये भी एक मेजर इशू है ना बस आजकल, देना और फिर चलें। इट्स ओके, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करें। चलिए स्टार्ट करें हम जब। हाँ जी, क्या करें, स्टार्ट करें या पीछे से थोड़ा सा सुनूं जब तक बाकी पार्टिसिपेंट्स मुझे पता चले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? वैसे लेट तो नहीं होते होते ग्रेड 9 के बच्चे? ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स लेट तो नहीं होते आज? पता नहीं कहाँ है सारे बच्चे। मैम मैं भी वही देख रही हूँ, आज मैं सबसे पहले आ गई हूँ। नहीं, एक दिन पहले भी आप सबसे पहले आ गए थे जी। हु इज देयर नाउ? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। आमना, आमना कैसे हो बेटा आप? ठीक मिस। आयान इज देयर आल्सो? यस मैम। आयान आज लेट कैसे हो गए भाई, द मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। मैम बस गलती से। गलती से होमवर्क बस मुझे आयान और आयशा का इस दफा मिला है, बाकी स्टूडेंट्स ने तो लगता है सोचा कि सुषमा तो थोड़ा सा काम देती है, करने की क्या जरूरत है। नहीं मिस, मैंने किया है, आपको नहीं किया? नहीं मुझे तो नहीं मिला, मुझे सिर्फ आयान और आयशा का होमवर्क मिला है, जस्ट आयान एंड आयशा। आपको सेंड करना। चलें ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, मूव ऑन टू द टुडेस टॉपिक। ओके ओके। अच्छा जी, ट्रांसपिरेशन स्टार्ट किया हुआ था हमने? यस मैम। जी जी मैम। हाँ जी आयशा, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन,
Can you tell me its definition? जी मैम, इट इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स थ्रू द सर्फेस थ्रू इट्स सर्फेस इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन. सर्फेस मीन्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फॉर सर्फेस में तो फिर सारे उसके एरियल पार्ट्स आ जाएंगे. एरियल पार्ट्स मीन्स वो पार्ट्स जो के जमीन से ऊपर हैं. ठीक हो गया. अबव द ग्राउंड. यस, अबव द ग्राउंड. ओके आयान, व्हाट आर इट्स टाइप्स? कौन-कौन से टाइप्स हैं? जस्ट इट हैज थ्री टाइप्स: स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. वेरी गुड. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस इन स्टोमेटल एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन? In stomatal transpiration, most of transpiration occurs through stomata of the leaves, so that's why it's called stomatal transpiration. But in cuticular transpiration, it is through cuticles that is present on the leaf epidermis. Okay, Amna, what is lenticular transpiration? Lenticular. Miss, what? Lenticular? Yes. Lenticels वैसे होते क्या हैं? What are lenticels? Miss, lenticels होते हैं के जो लीव्स के क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन लीव एपिडर्मिस और उनके जो ओपनिंग होती है उससे लेंटिसेल्स. ये तो ठीक है, लेंटिसेल्स आर ओपनिंग्स, बट दे आर प्रेजेंट इन वुडी प्लांट्स. वुडी ये जो जिन दरख्तों की बार्क जो है वो सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, ब्राउन कलर की. आपने देखा होगा ना दरख्त बाहर से उनका जो छाल होती है, बार्क होती है, वो कैसी होती है? सख्त हो गई होती है ना. जी. तो उनके ऊपर जो छोटे छोटे सुराख होते हैं उनको बोलते हैं लेंटिसेल्स, और उन सुराखों से उन पोर्स के थ्रू जो पानी इवेपोरेट होगा वो कहलाएगा लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन. ठीक है. तो ये जो लेंटिसेल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन वुडी स्टेम्स. जिन दरख्तों की स्टेम सख्त हो जाती है ना वहां पर ये सुराख होते हैं. लेकिन जो स्ट्रोमेटा होते हैं वो ग्रीन जो लीव्स के ऊपर होते हैं और ग्रीन स्टेम जिनकी जो स्टेम्स हैं वो सॉफ्ट हों, ग्रीन कलर की हों, वहां पे स्ट्रोमेटा मौजूद होंगे. लीव्स पर भी होते हैं स्ट्रोमेटा. लेकिन जो लेंटिसेल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन वुडी प्लांट्स. ठीक है. सख्त जो हार्ड हो गए होते हैं पुराने जैसे दरख्तों के, आपने देखे दरख्तों के ऊपर छाल ब्राउन हो गई होती है, हार्ड हो गया. अच्छा जी, मूव ऑन टू टुडेज टॉपिक. या पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ. Where is Ayan? Sorry, Saad and Taha. उनका बोलेंगे कि जीनेट इशू है. Okay. Ayan is present. Yes, ma'am. Saad absent. Absent. Taha absent. Absent. Amna present. Aisha and present. Haneen is also absent. Okay. Okay, move on to today's topic, opening and closing of stomata. Okay, as we tell you before, stomatas are present on the underside of leaves. All of you can see the screen? Yes, yes, ma'am. Ji, Ayan, aap dekh rahe ho screen ko? Yes, ma'am. Okay, where are the stomatas? Kahan pe nazar aa rahe hain aapko stomatas? And what about this picture? Ye pehle bhi picture hum bahut dafa dekh chuke hain. किस चीज की तस्वीर है ये? किस चीज की पिक्चर है ये? शाबाश, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ लीफ. और लीफ के बिल्कुल ये सबसे जो नीचे वाली लेयर है लोअर एपिडर्मिस, उसमें यहाँ पर अयान ने सही बताया गार्ड सेल्स नजर आ रहे हैं आपको. और गार्ड सेल्स, टू गार्ड सेल्स आर गार्डेड सिंगल स्टोमा. दो गार्ड सेल्स ने एक सुराख को, स्टोमा को गार्ड किया हुआ है. And this is the stomatal cell, है ना? Yes. मतलब guard cells और stoma मिलकर बना रहे हैं stoma. Stomata plural होता है, stoma है वो singular है. ठीक है. और ये एक leaf का transverse section show हो रहा है. इसके अब आप parts देख लें. Upper epidermis सबसे ऊपर तो cuticle है, उसको उन्होंने mention नहीं किया, जो green color की layer है ऊपर. उसके बाद जो ट्यूबुलर सेल्स हैं लॉन्ग, दीज आर अपर एपिडर्मिस. देन जो वर्टिकल शेप में सेल्स हैं दीज आर मेसोफिल्स. कुछ मेसोफिल्स इस शेप में हैं, बिल्कुल ऐसे वर्टिकल शेप में. कुछ मेसोफिल्स जरा इरेगुलर शेप्स में हैं. ठीक है.
ये पैलिसेट मेसोफिल सेल्स हैं, ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं नीचे वाले। और आपको पता है मेसोफिल सेल्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं लीफ में? दे आर फॉर द, हु विल टेल मी, मेसोफिल सेल्स आर यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो मेसोफिल सेल्स हैं दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। भूले हुए लग रहा है सारे। अच्छा जी, आगे चलें। उसके बाद आपको नजर क्या आ रहा है? ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज ऑफ जाइलम। स्टूडेंट्स आर यू हियरिंग मी? यस मैम। यस मैम। अच्छा, एक्चुअली आप कोई आंसर नहीं कर रहे थे ना। ओके, ये सबको सिलेंडर्स नजर आ रहे हैं पड़े हुए इस पे, पाइप्स लाइक स्ट्रक्चर्स? यस मैम। पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स आर ऑफ जाइलम। ठीक है जी, अब आप देखें कि जो पीछे हमने डायग्राम देखी थी अपेक ऑफ वाटर, उसमें क्या था कि रूट हेयर से पानी अंदर की तरफ आ रहा था टुवर्ड्स द प्लांट सेल्स। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम द प्लांट सेल्स, लीफ के जो सेल्स हैं, ये जाइलम सेल्स हैं, यहाँ से पानी देखें बाहर की तरफ इसका रूट है। पहले जाइलम से निकलेंगे वो किस साइड पर आएंगे, टुवर्ड्स द मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स में से पास ऑन करेंगे, ये थोड़ी सी इंटरसेलुलर स्पेस नजर आ रही है, सेल टू सेल स्पेस नजर आ रही है। और यहाँ पर जब बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होंगे दे विल एंटर इनटू द स्टोमा एंड फ्रॉम स्टोमा इट विल गो आउट। ठीक है, तो ये इसका रूट होगा। अब ऐसा होगा क्यों? ट्रांसपायरेशन की वजह से होगा ना, क्योंकि ट्रांसपायरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर लीव्स द प्लांट बाय इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है, अब उसको करवाने के लिए जो गार्ड सेल्स हैं वो हेल्प करेंगे। अब गार्ड सेल्स ओपन होंगे तो हेल्प होगी, है ना? अगर गार्ड सेल्स क्लोज होंगे तो फिर तो कोई पानी बाहर नहीं जा सकता। बट व्हेन गार्ड सेल्स आर ओपन वाटर विल मूव आउट। ठीक हो गया? अच्छा जी, हु विल रीड दिस पैसेज? आयान बेटा आप रीडिंग करो इसकी। डे टाइम में क्या होता है, गार्ड सेल्स डे टाइम में बंद होते हैं या ओपन होते हैं या रात में होते हैं? मोस्ट प्लांट्स कीप देयर स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज देम एट नाइट। इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टोमेटा टू रेगुलेट ट्रांसपिरेशन वियर द एक्शंस ऑफ गार्ड सेल। द टू गार्ड सेल ऑफ अ स्टोमेटा आर अटैच्ड टू ईच अदर एट देयर एंड्स। The inner concave sides of guard cells that enclose a stomata are thicker than the outer convex sides. When guard cells get water and becomes turgid, their shapes end like two beans and the stomata between them opens. When guard cells lose water and become flaccid, their inner sides touch each other and stomata closes. Okay, stop here, Ryan. जी, इस पैराग्राफ में मैंने बताया कि इन द डे टाइम स्टोमेटास रिमेन्स ओपन। डे टाइम में कौन सा प्रोसीजर कर रहा होता है, कौन सा मैकेनिज्म हो रहा होता है प्लांट्स के अंदर? फोटोसिंथेसिस। जी, डे टाइम में प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रिस्पांस में क्या होगा, जो गार्ड सेल है उसके अंदर ग्लूकोज जो है वो एक्यूमुलेट हो रही होगी। ग्लूकोज भी एक्यूमुलेट होती है प्लस पोटेशियम आइंस इसके अंदर जमा हो रहे होते हैं ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसकी वजह से क्या होगा, गार्ड सेल्स का जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक, यानी कि उसमें पानी कम होगा और ग्लूकोज और पोटेशियम आइंस ज्यादा होगी। अब उसको बैलेंस करने के लिए ऑस्मोसिस की वजह से वाटर विल मूव इनसाइड द गार्ड सेल फ्रॉम द साइड। इधर उधर के जितने भी एडजेसेंट सेल्स हैं और जाइलम सेल्स हैं वहां से पानी मूव करेगा किस तरफ, गार्ड सेल्स की तरफ। समझ आ रही है आमना आपको? यस मिस। अच्छा, ड्यूरिंग डे टाइम गार्ड सेल्स बिकम हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक होंगे, हाइपरटोनिक को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हाइपरटोनिक मीन्स सोल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है। सोल्यूट्स कौन कौन से, एक तो ग्लूकोज बन रहा है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस और दूसरा पोटेशियम की इनटेक भी ज्यादा हो रही है ड्यू टू लाइट। लाइट में पोटेशियम ज्यादा जो है ना वो गार्ड सेल्स में एंटर होगा, इसकी वजह से इर्द गिर्द का पानी और जाइलम सेल्स का पानी गार्ड सेल्स में कलेक्ट होगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड। टर्जिड मीन्स ये
फूल जाएंगे, ठीक है, और फूलने की वजह से ये ऐसे स्ट्रेच हो रहे हैं। देखिए दोनों गार्ड सेल्स इस पोजीशन में स्ट्रेच हो रहे हैं और उनके अंदर का जो स्ट्रोमा है, जो सुराख है, वो ओपन हो गया। यू गेट दैट ऑल ऑफ यू? यस मैम। बट एट नाइट फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ग्लूकोज भी नहीं बनेगी, और रात के टाइम लाइट भी नहीं होगी तो जितना भी कैल्शियम है वो भी बाहर निकलने की कोशिश करेगा गार्ड सेल से, और ग्लूकोज भी नहीं बनेगी, जिसकी वजह से जो इंटरनल सॉल्यूशन होगा गार्ड सेल का, इट विल बिकम हाइपोटोनिक, ठीक है, उसमें सॉल्यूट्स की मिकदार कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर को अंदर आने की जरूरत नहीं है, इन रिवर्स वाटर बल्कि गार्ड सेल्स को छोड़ के बाहर निकलेगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, गार्ड सेल एसिड हो जाएगा, बिल्कुल, और जो इनर साइड से वो एक दूसरे को टच करेंगे और फिर वो क्लोज हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो इस तरीके से डे और नाइट में स्टोमेटा जो है वो किस तरीके से ओपन और क्लोज होते हैं, ये आपको रीजन बताई गई है। समझ आ गई आपको सबको? जी मैम। जी सेकंड पैराग्राफ में भी जो मैंने भी आपको प्रोसीजर बताया ना, किस तरीके से पोटेशियम इनटेक हो रही है और किस तरीके से जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है ड्यूरिंग डे टाइम, एंड द जो स्टोमा गार्ड सेल्स बिकम हाइपरटोनिक, ये मैंने अभी आपको बता दिया सारा, इस पैराग्राफ में ये चीज कंफर्म की गई है। आमना आप इसको रीड कर लो फिर आगे चलते हैं। इन चैप्टर 4 वी हैव स्टडीड दैट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन गार्ड सेल्स इज रिस्पांसिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। रीसेंट स्टडीज हैव रिवील्ड दैट लाइट कॉजेस द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयंस फ्रॉम epidermal cells into guard cells, water follows them these ions and enters guard cells, thus their turgidity increases and stoma opens. As turgidity means hardness of guard cells, wo hard tight ho jate hain, phool jate hain, jisse open ho jayega stoma. As the day progresses, guard cells make glucose become hypertonic, so water stays in them. At the end of the day, potassium ions flow back from guard cells to epidermal cells, and the concentration of glucose also falls. Due to it, water moves to epidermal cells and guard cells lose turgor. It causes the closure of stomata. Gee. टर्गर, और उसकी वजह से जब टर्गर लूज हो जाएगा गार्ड सेल्स का तो फिर स्टोमेटा भी क्लोज हो जाएंगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको, हाउ स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं एनवायरमेंट में जो कि प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं कि उनकी ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो या कम हो, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एयर मूवमेंट है और लीव सरफेस एरिया है, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे फर्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर। अब ये बहुत ही कॉमन सेंस के कुछ इसमें पॉइंट्स आ जाएंगे कि टेम्परेचर ज्यादा हो, आप अपने ऊपर रख के देख सकते हो कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो आप क्या फील करते हो। आपको समझ लें कि जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन हो रही है, इट इज जस्ट लाइक स्वेटिंग इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी को भी पसीना आता है ना। यस मैम। उसी तरह से समझे प्लांट्स को भी ट्रांसपायरेशन होती है ड्यूरिंग टेम्परेचर। तो जब ज्यादा गर्मी हो तो हमारी बॉडी को क्या होता है, पसीना कम आता है ज्यादा आता है, ज्यादा आता है ना। उसी तरह से प्लांट्स भी इसी तरह से बिहेव करेंगे। हायर टेम्परेचर रिड्यूसेस द ह्यूमिडिटी, जारी बात है जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर वेपर्स, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वो कम हो जाएगी टेम्परेचर ज्यादा होने से, पानी की मिकदार हवा में कम हो जाएगी। एंड ऑल्सो इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, गर्मी ज्यादा होने से वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने से वो इधर उधर तेजी से फैल जाएंगे और प्लांट के पास पास की जो हवा होगी उसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होंगे। अब हमें पता है इस रूल का हमें पता है कि वाटर मूव ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसेंट्रेशन। अब अगर प्लांट बॉडी एक मौजूद है, लीफ सरफेस एरिया है जैसे, उसके इर्द गिर्द वाली हवा में पानी की मिकदार कम है, ह्यूमिडिटी लेवल लो है, तो
तो वाटर किस साइड से किस तरफ जाएगा, प्लांट से बाहर जाएगा कि बाहर से अंदर आएगा, पानी किस तरफ ज्यादा महसूस हो रहा होगा उस कंडीशन में? आयान आप बताइए, आयान आयान कैन यू हियर मी? यस मैम, प्लीज दोबारा बोलिएगा क्या कह रही हैं आप? सुन नहीं रहे थे बेटा क्या? मैं आपसे बीच में जरा आवाज कटी थी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है और हवा में ह्यूमिडिटी लेवल कम है, तो ऐसी हवा में अगर प्लांट मौजूद है तो प्लांट में पानी ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी कि बाहर वाली एयर में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वाटर की? प्लांट में। तो फिर किस तरफ साइड पे वाटर मूव करेगा ड्यू टू ऑस्मोसिस? प्लांट की साइड पे। प्लांट की साइड पे क्यों? बाहर की साइड पे क्योंकि बाहर किस क्यों आयशा? क्योंकि मैम जो वाटर वेपर्स जो रेट है टेम्परेचर का वो बाहर ज्यादा है। बाहर ज्यादा है, अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, जहाँ पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है वहां से पानी दूसरी तरफ मूव करता है। ऐसे ही आयान पड़ा हुआ है ना ऑस्मोसिस में आपने? यस मैम। तो फिर अगर वाटर में कॉन्सेंट्रेशन, प्लांट्स में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू आउटसाइड, वाटर विल मूव फ्रॉम द प्लांट टूवर्ड्स द आउटसाइड। इसी वजह से ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वाटर विल ट्रांसपायर, जो ट्रांसपायरेशन का रेट होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा। और वो कितना ज्यादा हो जाएगा? द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल्स विद एवरी राइज ऑफ टेम्परेचर। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा हवा में तो डबल हो जाएगा ट्रांसपायरेशन रेट। यानी कि अगर पहले अगर एक मिनट में 10 वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकल रहे थे ना, लेकिन अगर 10 डिग्रीज बढ़ गया है तो फिर एक मिनट में कितने निकलेंगे? 20 डबल हो जाएगा। बट वेरी हाई टेम्परेचर, लेकिन ऐसा भी है कि अगर बहुत ज्यादा हाई होना हो जाए, टेम्परेचर शुरू हो जाए जैसे कि अब मोर देन 40-45 डिग्रीज, उस सूरत में क्या होगा, स्ट्रोमेटा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे तो ट्रांसपायरेशन भी स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि जितना हाई टेम्परेचर होता जाए पानी निकलता जाए फिर तो सारे प्लांट्स जो है वो मरना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ही है ना? लेकिन अल्लाह ताला ने आपको पता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रखा हुआ है हर ऑर्गेनिज्म के लिए, तो एंजाइम्स भी काम करना छोड़ देंगे। आपको पता है एंजाइम्स एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं, हाई टेम्परेचर होगा एंजाइम्स अपना काम बंद कर देंगे और स्ट्रोमेटा भी क्लोज हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लांट्स थोड़ी देर के लिए स्लीपिंग मोड में चला जाएगा, ठीक है? और उस सूरत में वो अपने आप को बचाएगा कि मजीद पानी उसके अंदर से आउट ना हो। समझ आ गया? जी समझ आ गया। टेम्परेचर हाई होने से ट्रांसपायरेशन रेट विल ऑल्सो इंक्रीजेस टू अ सर्टन लेवल, अगर उससे ज्यादा हाई हो जाए टेम्परेचर देन विल स्ट्रोमेटा विल क्लोज और ट्रांसपायरेशन स्टॉप हो जाए। ओके, एयर ह्यूमिडिटी, आयशा यू रीड दिस पॉइंट, एयर ह्यूमिडिटी। एयर ह्यूमिडिटी जी, ये तो जी ये भी यही चीज है, वाटर का मॉइस्चर कितना है हवा में। यस Air humidity. When air is dry, water vapors diffuse more quickly from the surface of mesophyll cells into leaf air spaces and then from air spaces to outside. This increases the rate of transpiration. In humid air, the rate of the diffusion of water vapors is reduced and the rate of transpiration is low. जी बिल्कुल, ये भी बड़ी common सी बात है, अगर हवा में नमी का तनासुब ज्यादा हो, जैसे देखिए आप ये तस्वीर देखें, स्ट्रोमेटा के बाहर अगर पानी ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, और अंदर से फिर पानी बाहर नहीं आएगा इसलिए कि यहाँ पे ऑलरेडी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्लांट। लेकिन अगर ऐसा है जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे पानी बाहर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, तो क्या होगा, अंदर से मेसोफिल सेल से पानी बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि वाटर का ये रूल रहा है कि जब कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो वो उस तरफ मूव करता है। अगर पानी बाहर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है पानी की, अंदर से वाटर मूव करते करते इंटरसेलुलर, दिस इज इंटरसेलुलर स्पेस, सेल टू सेल जो खाली जगह नजर आ रही है दिस इज इंटरसेल, यहाँ से आ गया स्ट्रोमेटा के पास, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और यानी कि बाहर अगर पानी की कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, और ये तब होगा जब ह्यूमिडिटी लेवल लो होगा। ये भी बहुत इजी पॉइंट था। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट, एयर मूवमेंट। जी आमना, ये सामना एयर मूवमेंट।
When air in motion carries away the evaporated water from leaves and it causes an increase in the rate of evaporation from the surface of mesophyll. When air is still, the rate of transpiration is reduced. जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि अगर हवा चल रही है बहुत ज्यादा तो प्लांट के इर्द गिर्द तेजी से जो जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे थे वो तेजी से हवा के साथ आगे की तरफ चले जाएंगे, तो वहां पे फिर सिंपल एयर मौजूद है, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, उनको बैलेंस करने के लिए मजीद वाटर मॉलिक्यूल्स प्लांट में से बाहर आ रहे होंगे, यानी कि अगर हवा चल रही होगी उससे भी रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर हवा जो है वो रुकी हुई है तो फिर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाएगा. इसमें भी यही वाली लॉजिक आती है. कौन सी लॉजिक आती है कि स्ट्रोमेटा के इर्द गिर्द अगर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है मौजूद तो अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर और ये किस सूरत में नहीं होंगे, जब तेजी से हवा चल रही होगी, जो भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं तेज हवा से वो बिखर जाएंगे इधर उधर, ठीक है ना, दूर दूर चले जाएंगे, तो यहाँ पे फिर वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए, उसको बैलेंस करने के लिए मजीद अंदर से बाहर आएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, लेकिन अगर हवा रुकी हुई है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं वो यहीं पे स्टे करेंगे, यहीं पे खड़े रहेंगे कुछ टाइम के लिए, तो जब अगर यहाँ पे हैं तो फिर मजीद अंदर से ट्रांसपायरेशन होने की जरूरत नहीं होगी. कौन बताएगा ये पॉइंट कि एयर किस तरह इन्फ्लुएंस करती है? आयान, टेल हाउ एयर मूवमेंट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन. मैम, विंड कैरीज अवे द एवेपोरेटेड वाटर, एवेपोरेटेड वाटर को ले जाती है लीव से, जिससे एवेपोरेशन के रेट जो है वो इंक्रीज होता है ऑन द सरफेस ऑफ मेसोफिल. और अगर जो हवा रुकी हुई होगी स्टिल होगी, देन रेट ऑफ एवेपोरेशन रुक जाएगा, ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन जो है वो रुक जाएगा. अच्छा जी, लीव सरफेस एरिया, लीव का जो सरफेस एरिया वो जितना ज्यादा बड़ा होगा उतने ही स्ट्रोमेटा उसमें ज्यादा मिलेंगे आपको और उतना ही रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा. ऐसे ही है जैसे गर्मियों में हम कपड़े अगर डालते हैं ड्राई होने के लिए, अगर हम उनको बिल्कुल फैला के डालें, झटक के डालें फैला के, तो वो बिल्कुल तेजी से ड्राई हो जाता है ना, लेकिन अगर आप उसी कपड़े को, उसी कपड़े को अगर आप ऐसे मोटा सा गोल सा एक बंडल बना के रख दें छत के ऊपर, तो बहुत टाइम लगेगा उसे ड्राई होने में, है ना, क्योंकि उसका सरफेस एरिया आपने रिड्यूस किया हुआ है, लेकिन अगर सरफेस एरिया बढ़ा दें किसी चीज का उतनी ही तेजी से ट्रांसपिरेशन हो जाएगी. अच्छा जी, ये बोले ये कौन है भाई साहब? साथ वालेकुम अस्सलाम. पहले तो आप बेटा कहाँ से डरा दिया आपने तो एकदम. मैंने कहा ये कौन है, किसकी आवाज आई है एकदम से, आप कहाँ से आ गए भाई, सो रहे थे? यस मैम. वेरी गुड, सच सच बोलने के लिए अब आपको मैं कुछ नहीं बोलूंगी. एंड व्हाट अबाउट ताहा, उनको उठाया कि नहीं? सो रहे थे. चले, ताहा कहाँ है, आ गए हैं वो कि वो भी नहीं है? अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमने रेट ट्रांसपायरेशन के जो फैक्टर्स हैं वो भी कर लिए, हु विल एक्सप्लेन वन बाय वन ताकि इन दोनों बच्चों को थोड़ी सी क्लियरेंस हो जाए. आयान से स्टार्ट करते हैं. आयान, हाउ द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन अफेक्टेड बाय टेम्परेचर? ओके, जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो पांच चीजों से इफेक्ट होता है, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड और लीफ सरफेस एरिया. ये लाइट से ऐसे इफेक्ट होता है क्योंकि द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन वो डायरेक्टली कंट्रोल होती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट. इन स्ट्रॉन्ग लाइट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज वेरी हाई एज कंपेयर्ड टू एंड नो लाइट. जो जब लाइट बहुत तेज होती है तो जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो बहुत तेज हो जाता है, कंपेयर अगर हम करें डिम और नो लाइट से. ठीक हो गया. डे लाइट में एक्चुअली क्या कौन सा फंक्शन चल रहा है जिसकी वजह से स्ट्रोमेटा ओपन रहते हैं? लाइट की प्रेजेंस में बेटा कौन सा प्रोसेस प्लांट के अंदर चल रहा होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस की वजह से जो स्ट्रोमेटास हैं दे रिमेन ओपन, ठीक है ना, इस वजह से ट्रांसपेरेशन, जब वो ओपन रहेंगे तो ट्रांसपेरेशन भी ज्यादा होती रहेगी. ओके, मूव ऑन टू टेम्परेचर. आमना, आप सॉरी आयशा, आप बताइए टेम्परेचर का, व्हाट अबाउट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर राइज पर ट्रांसपेरेशन डबल हो जाती है? मैम 10 डिग्री सेल्सियस पे.
अच्छा तो मुझे बताएं हाई टेम्परेचर पर ट्रांसपिरेशन हाई होगी कि कम होगी, क्या इफेक्ट है उसका? मैम हाई होगी। अच्छा क्यों हाई होगी बताइए, रीजन क्या है? मैम वाटर, क्योंकि मैम सराउंडिंग्स में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज्यादा होंगे। नहीं बेटा सराउंडिंग में, सॉरी लीफ में, लीफ में ज्यादा होंगे बट सराउंडिंग एयर जो है उसमें ह्यूमिडिटी लेवल कम हो चुका होगा ड्यू टू हाई टेम्परेचर, तो फिर वाटर विल मूव फ्रॉम द प्लांट टुवर्ड्स द आउटसाइड। ठीक है जी मैम। और एक दूसरी रीजन क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी तो वाटर की तेज हो जाती है, ज्यादा हो जाती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो प्लांट चूंकि गर्म हुआ हुआ है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना वाटर के हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो तेजी से मूव करेंगे और बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो दीज आर द रीजंस फॉर हाई ट्रांसपिरेशन रेट। लेकिन आमना अगर ज्यादा टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाए जैसे कि मोर देन 45 degrees तो तब क्या होगा, प्लांट सारा पानी बाहर निकाल देगा अपने अंदर से ड्यू टू हाई टेम्परेचर? ट्रांसपिरेशन स्टॉप हो जाएगी लेकिन जितना वाटर उसके अंदर है वो तो उसके अंदर ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, जब स्टोमेटास क्लोज हो जाएंगे तो वो क्लोज इसीलिए होंगे हाई उसमें टेम्परेचर में ताकि अपने आप को बचा सके, अदरवाइज तो फिर सारा पानी बाहर जा सकता है। ओके एयर ह्यूमिडिटी, एयर ह्यूमिडिटी आयान आप बता दीजिए एयर ह्यूमिडिटी में क्या होगा? जब हवा ड्राई होगी then water vapor diffuse more quickly, वो ज्यादा जल्दी से from बाहर आएंगे from the surface of mesophyll cell, mesophyll cells की surface से into leaf air spaces and then from air spaces to outside, और ये जो transpiration है इसको increase करता है। High जो है वो humidity rate transpiration को increase करता है या decrease करता है? High humidity rate, अगर humidity हवा में ज्यादा होगी तो transpiration ज्यादा होगी कि कम होगी? It's very common, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, सोच के बताइए। कम होगी क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल कम है। कम होगी आयान, आप ऑपोजिट क्यों बोल रहे हो? टेम्परेचर भी पहले आपने ऑपोजिट बोला था। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है साद, आपको पता है व्हाट इज ह्यूमिडिटी? हवा में नमी, एयर में जो वो वाटर होता है ना। शाबाश, एयर में वाटर वेपर्स की जो मिकदार होती है उसे एयर ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अगर ऑलरेडी हवा में वाटर वेपर्स मौजूद है तो फिर प्लांट के अंदर से मजीद वाटर वेपर्स की जरूरत नहीं है हवा को। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तो वाटर वेपर्स विल मूव फ्रॉम प्लांट टुवर्ड्स आउटसाइड। क्योंकि मैंने आपको एक बस एक रूल एक याद रखे कि वाटर हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है, तो अगर प्लांट में कंसेंट्रेशन ज्यादा है ह्यूमिडिटी की वाटर की तो इट विल मूव आउटसाइड। ठीक है, लेकिन अगर ऑलरेडी बाहर पानी ज्यादा है तो फिर प्लांट के अंदर का पानी बाहर नहीं निकलेगा। अयान समझ आ रहा है पॉइंट आपको? यस मैम। आप ये नोटिस भी करते हो सर्दियों में ट्रांसपिरेशन रेट कम होता है एज कम्पेयर टू समर्स? गर्मियों में ज्यादा ट्रांसपिरेशन होती है, गर्मियों में आपको ज्यादा पौधे को पानी देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से पानी बहुत तेजी से निकल रहा होता है, तो आप गर्मियों में उसे सुबह शाम वाटरिंग करते हो ना प्लांट्स को? यस मैम। इसलिए कि गर्मियों में ह्यूमिडिटी लेवल कम हुआ होता है हवा में, जबकि सर्दियों में मॉइस्चर ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा जी आगे चले, एयर मूवमेंट पे चले, एयर मूवमेंट में क्या होगा आमना आप बताइए? हवा अगर बहुत तेज चल रही हो तब ट्रांसपिरेशन कम होगी ज्यादा होगी? अगर हवा में मतलब इंक्रीज होगा तो फिर एवेपोरेशन होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट जी, और ये रिड्यूस करेगा द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन का? रिड्यूस करेगा कि इंक्रीज करेगा? ज्यादा एयर मूवमेंट्स ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज करेंगे कि रिड्यूस करेंगे? रिड्यूस करेंगे, इंक्रीज करेंगे। आयशा आप समझाएं, नहीं लग रहा है, मेरी बात नहीं समझ आई थी, आप बता सकते हो हाउ वाटर मूवमेंट्स इंक्रीज ट्रांसपिरेशन? मैम जब एयर लेवल ज्यादा होगा तो जो वाटर बाहर है वो साइड पे मूव कर जाएगा और ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। बिल्कुल, जब एयर मूवमेंट ज्यादा है तो जितना पानी प्लांट से बाहर निकल रहा है वो तेजी से आगे की तरफ मूव कर जाएगा, तो
तो प्लांट के करीब का जो एरिया है, स्टोमेटा के करीब का जो एरिया है वो दोबारा से फ्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, तो फिर मजीद अंदर से और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, ठीक है अमना जी मिस। लेकिन अगर हवा स्टिल होगी तो फिर स्टोमेटा के करीब करीब अगर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स निकले हुए हैं ड्यू टू ट्रांसपायरेशन, वो वहीं पे रुके रहेंगे, है ना, वहीं पे इकट्ठे रहेंगे, वहां पे रश होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो मजीद वाटर मॉलिक्यूल्स फिर अंदर से बाहर की तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि प्लांट को ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी बाहर वाटर मौजूद है, तो मजीद वाटर बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, लीफ सरफेस एरिया, आयान आप एक्सप्लेन करो इसे, लीफ सरफेस एरिया। जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होती है वो लीफ सरफेस एरिया से बड़ी आसानी से ताल्लुक रखती है, क्योंकि अगर जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वो उतना ज्यादा सोमेटा को प्रोवाइड करेगा ट्रांसपिरेशन के लिए स्पेस। बिल्कुल ठीक है। इसी वजह से जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स, उनके लीव्स होते हैं डेजर्ट प्लांट्स के? नो मैम। हाँ नहीं होते, क्यों नहीं होते? अल्लाह ताला ने उनको लीव्स क्यों नहीं दिए? लीव्स की जगह पे बल्कि कांटे होते हैं, स्पाइंस होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर, ताकि वाटर स्टोर कर सके, वो वाटर स्टोर कर सके, ताकि उनके ऊपर स्टोमेटा कम से कम हो और उनका लीव सरफेस एरिया भी उतना ही रिड्यूस हो जाता है ताकि वाटर एक्स्ट्रा बाहर ना जा सके, ठीक है जी मैम। अच्छा जी, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट इवन माइल्ड वाटर स्ट्रेस रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड ग्रोथ रेट इन प्लांट्स। वो कह रहे हैं कि अगर वाटर स्ट्रेस मिले प्लांट को, वाटर स्ट्रेस यानी कि अगर उसे वाटर पूरा ना मिल रहा हो, उसे टेंशन हो रही हो पानी ना मिलने की, उसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है जी। टुडेज लास्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसकी क्या मतलब, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हो रहा है ये प्लांट के अंदर? सबसे पहला जो इसका सिग्निफिकेंस, मतलब अल्लाह ताला ने ये सिस्टम क्यों रखा हुआ प्लांट के अंदर कि ये इसकी कूलिंग इफेक्ट भी देता है प्लांट्स को। बिल्कुल, ये प्लांट्स को अगर बहुत ज्यादा गर्मी है और ये वार्मर एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये ट्रांसपिरेशन की वजह से, ये नीचे मैं आपको पॉइंट्स इसके बता देती हूँ, आई थिंक 3 पॉइंट्स हैं। नॉर्मली एक सेंटेंस आपको क्वेश्चन की फॉर्म में आता है कि व्हाई ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड अ नेसेसरी इविल। इवल क्यों बोला जा रहा है ट्रांसपिरेशन को, और ऐसा इवल है जो कि बहुत एडवांटेजेस भी है। हाँ, बजाहिर देखा जाए तो पानी निकल रहा है प्लांट से बाहर, हालांकि प्लांट को तो पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना, उसकी खुराक है पानी, लेकिन पानी बड़ी तकरीबन 80-90% वाटर ट्रांसपायर, इतना पानी जितना वो एब्जॉर्ब करता है मतलब उसका तकरीबन 10% उसके अंदर रह जाता है, सारा ट्रांसपायर हो रहा है। तो कह रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक इवल है जो कि नेसेसरी है, हो भी रहा है, तो इसकी एक रीजन है कि जितना पानी ट्रांसपायर होगा पोटेंशियली, मतलब जितनी तेजी से होगा, फिर जो रूट्स है ना उनको उतनी ही ज्यादा जरूरत महसूस होगी मजीद पानी एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। तो इसकी वजह से ये एक नेसेसरी इवल है, अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगी ना प्लांट के अंदर, तो नीचे से पानी जो है वो एब्जॉर्ब होना बंद हो जाएगा, तो ये भी ठीक बात नहीं है। पानी नीचे से एब्जॉर्ब होगा, नीचे से न्यूट्रिएंट्स आयंस वो लेगा तो अपना काम करेगा ना प्लांट, जरूरी जरूरी जो उसके मैकेनिज्म्स हैं। तो ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इवल, इट मींस दैट ट्रांसपिरेशन इज अ पोटेंशियली हार्मफुल प्रोसेस बट इट इज अनअवॉइडेबल टू। कह रहे कहने को तो ये एक नुकसानदेह प्रोसीजर है लेकिन अनअवॉइडेबल है, इससे बचा भी नहीं जा सकता। ट्रांसपिरेशन मे बी अ हार्मफुल प्रोसेस इन द सेंस दैट ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ ड्राउट, जब खुश्की के दिन होते हैं, लॉस ऑफ वाटर फॉर प्लांट रिजल्ट इन सीरियस डेसिकेशन, उसको बहुत ज्यादा पानी की कमी हो सकती है, मुरझा जाता है, विल्टिंग एंड ऑफन डेथ भी हो सकती है, तो इस वजह से इसको एक नेसेसरी इवल बोला जाता है। इसका आंसर इन 3 लाइंस में आप दे सकते हो, ठीक है, कि अगर ड्राउट हो, खुश्की के दिन हो, तो उस सूरत में अगर ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूस होती रहे प्लांट मर सकता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी टू, इट क्रिएट्स अ पुलिंग फोर्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल। ये भी टॉपिक आप आगे पढ़ोगे कि ट्रांसपिरेशन के होने की वजह से उसके अंदर एक पुलिंग फोर्स पैदा हो जाती है, विच इज प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ऊपर से जितना पानी रिलीज हो रहा होता है उतना ही नीचे से रूट्स जो है उस पानी को एब्जॉर्ब करती जाती हैं, ठीक है। मैं देख रही हूँ कोई डायग्राम, ये देखें आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ उन्होंने ट्रांसपिरेशन का, कि अगर एक प्लांट को किसी बंद कंटेनर में रखा जाए तो कैसे ड्रॉपलेट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर जी नथिंग मैम,
ओके सेकंड इसका फायदा क्या है, मतलब एक तो पुलिंग फोर्स मिल जाती है रूट्स को, ऊपर से पानी निकलता जाएगा, नीचे से मजीद पानी पंप होता जाएगा. और अगला उसका फायदा क्या है, व्हेन वाटर ट्रांसपायर फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लांट इट लीव्स अ कूलिंग इफेक्ट. अयान ने पहले बता दिया कि प्लांट की ट्रांसपायरेशन से कूलिंग प्रोड्यूस होती है, तभी तो प्लांट्स के करीब गर्मियों में बैठो तो ठंडक का एहसास होता है ना. यस दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन वार्मर एनवायरनमेंट. मोर ओवर द वेट सरफेस ऑफ लीफ, उसकी वजह से क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है. लीफ की सरफेस अगर गीली गीली होगी तो गैसेस का एक्सचेंज भी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस और दूसरे आयंस भी इजीली एक्सचेंज हो जाते हैं इन द वॉटरी मीडियम. ये तीन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ट्रांसपेरेशन के. आज का टॉपिक यहीं तक है, आपने लर्निंग करनी है एंड टुमारो इज योर क्विज. आप सबके रिमाइंडर के लिए आपको बता रही हूँ, आज का होमवर्क कोई नहीं होगा स्टूडेंट्स, लेकिन आपका कल क्विज है. सात ताहा Are you listening me? मैम ग्राम्स भी है ना? जी जी. डायग्राम्स भी है ना? जी बिल्कुल डायग्राम्स भी आएंगी कल में. और इसके अलावा कल सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस पे बेस कर रहा होगा आपका टेस्ट, नॉट एमसीक्यूज. मैम एलिमेंट्री के नाल से है ना? फुल एलिमेंट्री के नाल. आई गेव यू फुल एलिमेंट्री के नाल. बट तक एंड तक उसके डिसऑर्डर्स भी इंक्लूडेड है. ओके मैम ठीक है. साद और ताहा मैं मैसेज आपको थ्रू कर देती हूँ सबको. और मुझे होमवर्क सबमिट नहीं करवाया तीन स्टूडेंट्स ने, पता है ना वो कौन से तीन बच्चे हैं? इसमें अभी आपको करवा देती हूँ. आमना आप करो साद. देखो जरा आप सोए भी रहते हो, कौन सा होमवर्क क्लास में? मैम आपको तो जो लास्ट होमवर्क था वो करवा दिया था. आयान आप बताए लास्ट आपने कौन सा होमवर्क मुझे सबमिट करवाया? वो तो आपने इसके साथ भेजे है. अच्छा अच्छा आपने सारा काम थे. ओके ओके आपने सारा काम इसके साथ जो भेजा था ठीक है. साद एंड ताहा चेक दीज डायग्राम्स, ये मैंने आपसे कहा था ड्रॉ करनी है दोनों. मिस आपने कहा था नीचे वाली करनी है. हाँ जी इवन मैंने फिर आपकी इजीनेस के लिए कहा था कि अगर ये आपको टफ लगे आप एटलीस्ट ये तो कर दीजिएगा ना, ये तो पाथवे है, ये तो आपको पता होना चाहिए पानी कहाँ से कहाँ एंटर होके अंदर जाइलम तक पहुंच रहा है. आपने नीचे वाली ये दी थी, ये वाली. लेकिन कुछ बच्चों ने क्या उसे कहते हैं आशा ने ना ऊपर वाली भी की है. राइट ओके आप चले एटलीस्ट ये तो भेजे ना. देखिए काम मैं आपको सिर्फ वो देती हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अनइम्पॉर्टेंट वर्क तो मैं चाहती भी नहीं हूँ आपको दूँ, खाम खा लिखने के काम नहीं मैं देती. ओके अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. हाफिज मैम. And you